अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग बात करेंगे क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4.0 प्लस के बारे में। दोस्तों जहां तक आपको याद होगा, नवंबर 2016 में स्नैपड्रैगन 835 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लॉन्च हुई थी और उसी के साथ क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0 प्लस यह प्लस वर्जन है, यानी कि उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं क्विक चार्ज 4.0 के, लेकिन कुछ और एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। तो वो एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 प्लस में सारे फीचर्स मिलते हैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 के, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स यह मिलते हैं कि पहला मिलता है ड्यूल चार्जिंग का सपोर्ट। अब मैं बता दूं कि ड्यूल चार्जिंग का सपोर्ट ऑलरेडी 4.0 में अवेलेबल है, लेकिन इसको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। अब ये ड्यूल चार्जिंग सपोर्ट क्या है, तो मान लीजिए अगर आपने अपने फोन को कनेक्टर से लगाया और उसके बाद वह चार्ज होनी शुरू हो गई, तो ऐसा होता है कि करंट जो है एक सिंगल पाथ से फॉलो करता है, यानी कि एक सिंगल रास्ते से बैटरी के अंदर करंट जाता है और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें यह होता है दोस्तों कि वह जो सिंगल रास्ता है, वो जो सिंगल वे है, वो जो सिंगल पाथ है, वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने 2 एम्पियर का चार्जर लगाया हुआ है तो वह पूरी की पूरी 2 एम्पियर का जो करंट है वो उसी के थ्रू फ्लो हो रहा है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो इस बार जो ड्यूल चार्जिंग सपोर्ट आई है वो ऐसी आई है कि आपको 2 रास्ते को वो फॉलो करेगा और एम्पियर को बांट देगा, करंट को बांट देगा, जिससे ज्यादा हीटिंग नहीं होगी। यानी कि दोस्तों अगर यहां पे हम चार्ज कर रहे हैं, एक सिंगल आपने पोर्ट लगा दिया, चार्जिंग शुरू हो गई, तो जो बैटरी के अंदर चार्ज जा रही है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, वो जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और 2 रास्ते से जा रही है। एक रास्ते से जाएगी 1 एम्पियर की करंट और फिर दूसरे रास्ते से जाएगी 1 एम्पियर की करंट। तो इस तरह से दोनों तरफ से 2 अलग अलग चार्जिंग होना शुरू होगा और लास्ट में आकर के दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो हीटिंग होगी वो काफी ज्यादा कम होगी और बैटरी की एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। उसके बाद जो दूसरी नई फीचर है दोस्तों वह यह है कि इसमें जो है दोनों टेम्परेचर पता करेगी, दोनों किसकी, तो केस के भी और कनेक्टर के भी। अगर आपने कोई चार्जिंग पिन लगाया है तो पिन के पास कितना ज्यादा टेम्परेचर है उसे भी ये पता करेगी और हमारे केस में, बैटरी के केस में कितना ज्यादा टेम्परेचर है वो भी पता करेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जो बैटरी की टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद जो है डर होता है कि हमारा जो लीक हो जाए या फिर हमारा जो बैटरी है वो फुल टाइप का जाए या फिर अगर वह है बर्बाद हो जाए, फट जाए, बहुत सारी चीजें होती है, जैसा आपने देखा होगा गैलेक्सी नोट 7 में। तो उस तरह की चीजों को बचाने के लिए, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे दोनों ही चीजों का टेम्परेचर को वह सेंस कर सकती है, बैटरी के केस के टेम्परेचर को भी सेंस कर सकती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो कनेक्टर है उसकी भी टेम्परेचर सेंस कर सकती है। तीसरी जो फीचर है दोस्तों वह यह है कि थर्मल कूलिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा अच्छा किया गया है और अब जो है 15% और भी कम हीट होगी, यानी कि पहले जितनी हीट होती थी अब और कम हीट होगी, जिससे हमारी बैटरी की लाइफ और भी ज्यादा अच्छी चलेगी। और क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 प्लस में दोस्तों आप 15 मिनट में 50% का चार्ज कर पाएंगे, यानी कि लगभग आप आधे घंटे में 99% का चार्ज कर पाएंगे और 35 से 40 मिनट के अंदर दोस्तों आप फुल चार्ज कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 45 मिनट का वक्त है और आप 0% से 100% 45 मिनट में पूरा चार्ज कर पाएंगे अगर आपके डिवाइस में क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 प्लस है। तो ये काफी अच्छी प्लस पॉइंट है दोस्तों क्वालकॉम क्विक चार्ज के लिए और यह बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, क्योंकि हमें आए दिन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अपने फोन को चार्ज करने में और जिनमें क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 है उन्हें लगभग 1 घंटा 15 मिनट लग जाता है, लेकिन अब और भी कम हो गई है, आधा घंटा टाइम और भी रिड्यूस हो गई है और अब आप 45 मिनट के अंदर जो है फुल चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज मुझे आप लोग को बताना था क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 प्लस के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।